मुरादाबाद में खबर का हुआ बड़ा असर। रामगंगा किनारे सुबह मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों को हो रही थी खासा परेशानी, क्योंकि शहर की नालियों से निकलने वाली गंदगी को डाला जा रहा था रोड किनारे खाली प्लॉट में। आने जाने वालों को सांस लेने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जबकि विशेष तौर से सुबह मॉर्निंग वॉक पर ताजा हवा खाने के लिए जो लोग आते हैं, जिससे उनको सांस लेने में परेशानी और बीमारी का खतरा बना रहता था। न्यूज को प्रमुखता से इस खबर को अपने चैनल पर प्रसारित किया गया। उसके बाद नगर निगम की नींद खुली और नगर आयुक्त ने किया मौके का दौरा। कूड़ा डालने वाले और डलवाने वाले को दोनों को ही दे डाली चेतावनी और कहा कि इस जमीन को चिन्हित किया जाए, किसकी जमीन है और आगे की कार्रवाई की जाए। सर, जैसा कि मुरादाबाद के अंदर ये कटघर रामगंगा पुल के गंगा का तट है, यहाँ शहर का कचरा डाला जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, शहर का कचरा नहीं है, मैं पहले स्पष्ट कर दूँ। कचरा हमारा, आप सामने जिधर मैं दाहिने तरफ इशारा कर रहा हूँ, वह हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है। तो जो शहर से 400 मीट्रिक टन कचरा आता है वो हमारे ट्रेंचिंग ग्राउंड पर डाला जाता है और वहाँ हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। कचरे की साइंटिफिक प्रोसेसिंग वहाँ हो रही है। ये जिस तरफ आप देख रहे हैं ये लैंडफिल साइट है और लैंडफिल साइट पर जो नालियों से सिल्ट निकल के आता है उस सिल्ट को यहाँ अस्थायी तौर से डाला जा रहा है। यहाँ कचरा डालने वाली बात सही नहीं है। क्या सर, ये ऑथराइज है जो रोड के किनारे पड़ा हुआ है, नाली की सिल्ट डाली जा सकती है क्या? देखिए, मैंने कहा कि ये रोड के किनारे तो बहुत सारी जगह होती हैं, ये लैंडफिल साइट है और लैंडफिल साइट पर नालों से निकलने वाली सिल्ट को डालने का प्रोविजन है, उसी प्रोविजन के तहत ही कार्य किया जा रहा है। सर, ये जमीन सरकारी है किसी की पर्सनल है? ये रिकॉर्ड दिखवाना पड़ेगा, चूँकि लैंडफिल साइट है, इसका रिकॉर्ड चेक कराना पड़ेगा कि ये निगम की है। यदि किसी की प्राइवेट लैंड भी होगी तो उसकी अनुमति से ही लैंडफिल साइट पर सिल्ट डाली जाएगी।